अस्सलाम वालेकुम आई टी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने स्लीव्स की लंबाई 15 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। ये देखिए, और ये मैंने पेपर लिया है, इसकी भी लंबाई मैंने स्लीव्स के अकॉर्डिंग ली है। चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। और ये मैंने एक फ्लावर्स ड्रॉ किया है इस तरह से, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है। और ये इस तरह से 6 पत्ती का फ्लावर्स बनाया है, इसको ड्रॉ कर लेंगे पेपर पर इस तरह से। ये स्लीव्स बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाई। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। ये देखिए, मैंने एक फ्लावर्स बना लिया है, बाकी के फ्लावर्स भी इसी तरह से बना लेंगे। तो 2 इंच के गैप पर हमें फ्लावर्स बना लेने हैं, तो यहाँ पर रखेंगे, बीच में हमें 2 इंच गैप रखना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच सॉरी 1/2 इंच की पत्ती ड्रॉ करनी है, तो दूसरा फ्लावर्स भी रखेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इसको भी। आप फ्लावर्स की शेप कोई सी भी बना सकती हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए, ये सारे फ्लावर्स बना ली हैं। अब जो हमने 2 इंच का गैप रखा है सारे फ्लावर्स में इस तरह से, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, और इस तरह से पत्ती की शेप दे देंगे। तो इस पत्ती को रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैंने 1/2 इंच की पत्ती कट की है, जिसकी लंबाई 1 इंच ली है मैंने इस तरह से, और इसका हम बाद में कटवर्क बनाएंगे। तो ये देखिए, इसी पर हमें डोरी से डिज़ाइन बनाना है पेपर पर ही। पेपर आप मोटा लीजिएगा, ताकि आपको स्टिच करते टाइम पेपर ख़राब ना हो और अच्छे से आपका डिज़ाइन बनकर रेडी हो। सारे डिज़ाइन को इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा पैटर्न तैयार कर लिया है। ये मैंने रेशम की डोरी ली है येलो कलर में, और ये मैंने वाइट कलर की नेट ली है। आप इसकी जगह ओगेंजा सिल्क फैब्रिक भी ले सकती हैं, जिसकी लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, और इस पेपर को नीचे ऊपर रखेंगे सॉरी, और कपड़े को रखेंगे नीचे, और यहाँ से डोरी को हम पैर के नीचे से गुजार लेंगे। और येलो कलर का ही हमें धागा लेना है ऊपर की ओर, और ऐसे स्टिच कर लेंगे। जो हमने फ्लावर्स बनाए थे वहाँ से ही हमें स्टिच कर लेना है इस तरह से। कपड़े को नीचे रखेंगे और डिज़ाइन को ऊपर रखेंगे, जो हमने डिज़ाइन बनाया है पेपर को ऊपर रखेंगे इस तरह से, घुमाते जाएंगे और सारी पत्ती बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप अगर मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हमने ये स्लीव्स बनाकर रेडी करनी है। और ये पहनी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और ये बनाना भी उतना ही ईजी है। सारे फ्लावर्स हम इसी तरह से बना लेंगे, और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। आप इसको किसी भी कलर में बना सकती हैं, ये डोरी सब कलर में मिलती है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स बनाएंगे।
ये देखिए एक फ्लावर्स हमारा बनकर रेडी हो गया है, दूसरा फ्लावर्स भी हम इसी तरह से बनाकर कर लेंगे तैयार। ये देखिए, और यहाँ से डोरी को कट कर देंगे। अब दूसरा फ्लावर्स भी हम इसी तरह से बनाएंगे, तो डोरी को हम पैर के नीचे से गुजार लेंगे। और फ्लावर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह से हम दूसरा फ्लावर्स बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही घुमाते जाएंगे और सारी पत्ती बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, सारी पत्ती इसी तरह से बना लेंगे हम। ये देखिए, ये मैंने आपको टू फ्लावर्स बनाकर दिखा दिए हैं। इसी तरह से सारे फ्लावर्स हम बना लेंगे। ये हमारे टू फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के फ्लावर्स भी इसी तरह से बनाकर कर लेंगे हम तैयार। धागे को कट कर देंगे। इस तरह से सारे फ्लावर्स बनकर हो गए हैं तैयार। अब जो हमने नीचे बनाया था डिज़ाइन, उस पर हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो डोरी को रखेंगे इस तरह से, पैर के नीचे से गुजारेंगे डोरी को, और जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था उसी के अकॉर्डिंग हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से पूरा पैटर्न हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सारा हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। आप इसको दामन पर, स्लीव्स पर, ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बनाना भी उतना ही इजी है, आप इसको घर पर बना सकती हैं इस डिज़ाइन को डोरी से। ये किसी भी कलर में आपको डोरी मिल जाएगी, जिस कलर में आपको पसंद है उसी कलर में आप इसको बना सकती हैं। इस तरह से सारा पैटर्न हम तैयार कर लेंगे और इसका कटवर्क बना लेंगे बाद में। इस तरह से ये देखिए, सारा पैटर्न हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी स्टिचिंग हो गई है। ये देखिए, इस तरह से हमारी पूरी स्लीव्स बनकर तैयार हो गई है। आप इस पेज को घर पर ही तैयार कर सकती हैं। ये देखिए, अब इसका पेपर रिमूव कर देंगे हम, और ये आसानी से रिमूव हो जाता है। अगर आपको परेशानी आ रही है तो इसको पहले गीला कर लीजिएगा हल्का सा, तब भी ये कागज़ रिमूव हो जाता है। इस तरह से हम सारा पेपर रिमूव कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सारा पेपर निकाल देंगे हम, और इसका कटवर्क कर लेंगे बाद में। इस तरह से ये देखिए, पूरा पेपर हम रिमूव कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से स्टिच करेंगे तो आसानी से ये पेपर रिमूव हो जाता है। ऊपर पहले हम पेपर को रखेंगे, नीचे रखेंगे हम अपने कपड़े को। ये हमने पूरा पेपर रिमूव कर दिया है, अब इसके कटवर्क्स बना लेंगे। तो ये मैंने शोल्डर आयरन ली है,
तो यहाँ पर रखते जाएंगे और नीचे की साइड से कट वर्क बना लेंगे हम। ये मैंने 30 वाट की ली है। ये देखिए, पहले इसको हम अच्छे से हीट अप कर लेंगे ताकि हमारा कटवर्क अच्छे से बन जाए और फिनिशिंग के साथ हमारी पेच बनकर रेडी हो। ये देखिए, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा पेच बनकर रेडी हो गया। इसको स्लीव्स पर अटैच कर लेंगे हम। ये देखिए, तो ये मैंने स्लीव्स ले ली है और इसको उल्टा रखेंगे, स्लीव्स को सीधा रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। एक सार कर तो हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पूरे स्लीव्स हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स बनकर हो गई है रेडी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकती हैं और ये पहनी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा।